हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपने सुहाने NS+24। और दोस्तों, आज हम ऐसे 3 सपनों के बारे में आपसे बात करने वाले हैं जो यदि आपको सपने में दिख जाए तो समझिए जल्द ही आपकी अधूरी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी कोई अधूरी मनोकामना जो जल्द ही अब पूरी होने वाली है। तो आइए दोस्तों जानते हैं वो 3 सपने कौन से हैं जो आप यदि देख लें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, पहला सपना है, यदि आप सपने में फूलों का बगीचा देखते हैं या हरे भरे खेत खलिहान देखते हैं तो ये सपना आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन से सभी परेशानियां खत्म होने वाली है, सुख समृद्धि का वास होने वाला है आपके घर परिवार में, आप जीवन में उन्नति तरक्की करने वाले हैं, आप व्यवसाय में नौकरी में मान सम्मान और ऊंचे पद की प्राप्ति होने का संकेत माना जाता है। इसलिए यदि आप सपने में हरे भरे खेत देख लेते हैं या फूलों का बगीचा दिख जाए तो समझ जाइए कि आपके जीवन से सभी परेशानियों का अंत होने वाला है। दोस्तों, दूसरा सपना है, यदि आप सपने में अपने इष्ट देव को देख लेते हैं, आप जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, जिन्हें भी आप सच्चे दिल से अपना आराध्य मानते हैं, यदि आपको वो सपने में दिख जाए तो समझ जाइए कि आपकी कोई अधूरी इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। यदि आपको सपने में अपने इष्ट देव दिख जाए तो सुबह उठकर उसी मंदिर में जाएं, जिस देवी देवता के आपको दर्शन होते हैं उन्हीं के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, और रोज सुबह उठकर उनका ध्यान करें। नंबर 3, दोस्तों, यदि आप सपने में कोई तीर्थ स्थल देख लेते हैं, किसी धार्मिक स्थल को आप देखते हैं सपने में, तो ये सपना भी आपके जीवन से सभी परेशानियों के अंत होने का सपना माना जाता है। यानी कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो जल्द ही समाप्त होने वाली है, आप जीवन में उन्नति तरक्की की ओर बढ़ने वाले हैं, जीवन में मान सम्मान प्राप्त होगा आपको समाज में, और किसी ऊंचे पद की प्राप्ति भी हो सकती है, और किसी मनोकामना पूरी होने का संकेत भी होता है। लेकिन दोस्तों, एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये सपने यदि आपको दिख जाएं तो कभी किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये सपने यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, बता देते हैं, तो इन सपनों का आपको फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इन सपनों को हमेशा गुप्त रखें। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार दोस्तों।